आप जानते हैं कि सितंबर माह में सभी शिक्षकों को 3 मॉड्यूल करने हैं। उनमें से जो छठा मॉड्यूल है वह है स्वास्थ्य और कल्याण। इस वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण के प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करना है उसके बारे में बताया गया है। कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखें। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, तो इसका उत्तर आएगा, हाथ धोते रहे, छींकते समय मुंह और नाक को ढकें, स्वस्थ भोजन करें, अच्छी नींद लें और आराम करें। किशोर अवस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो यह है, जैविक, मनोवय, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक। निम्नलिखित में से कौन हमें अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करने में मदद करता है, तो इसका उत्तर होगा हमारा प्राणायाम और ध्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय रोग है, तो इसका उत्तर होना चाहिए माफन सिंड्रोम। किशोर अवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे और सरोकार क्या हैं, तो इसका उत्तर हमारा आएगा वृद्धि और विकास, आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा, चिंता और अवसाद, पोषण संबंधी आवश्यकताएं और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न। हिंसा क्या है, किसी अन्य व्यक्ति को हुई कोई शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और यौन क्षति जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हृदय और फेफड़ों की कार्यप्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है, इसका उत्तर आना चाहिए ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करकर। वे 4 मुख्य कदम क्या हैं जिनका हमेशा आपातकालीन स्थिति में पल भर करने की आवश्यकता होती है, सुरक्षित रहें, मूल्यांकन करें, प्राथमिक उपचार प्रदान करें, मदद लें। किशोर अवस्था की आयु क्या है, तो इसका उत्तर होना चाहिए 10 से 19 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा योग अभ्यास भावनात्मक प्रबंध में मदद करता है, तो इसका उत्तर आएगा यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर होगा संतुलन। एनारोबिक व्यायाम क्या है, थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाली गतिविधियां। एक अपेक्षाकृत नया मीडिया मंच है जिसने हमारी दुनिया में क्रांति ला दी है, तो इसका उत्तर होना चाहिए इंटरनेट। आपात स्थिति में निम्नलिखित में से किस चीज से बचना चाहिए, तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए भूख या प्यास के कारण होने वाली परेशानी से बचने के लिए उन्हें कुछ खाना या पीना को दें। शारीरिक गतिविधियों की दैनिक आवश्यकता में लगने वाला कम से कम समय कितना होना चाहिए, 30 से 40 मिनट। डैश का तात्पर्य ऑनलाइन सुरक्षा सुरक्षित होने की प्रक्रिया से है, तो इसका उत्तर होना चाहिए साइबर सुरक्षा। किशोर अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हमारा आ सकता है उनसे बात करके और उनकी चिंताओं को समझकर। HIV निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के माध्यम से संचारित हो सकता है, तो इसका उत्तर है HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, संक्रमित रक्त के द्वारा। किन 2 सिद्धांतों को सार्वभौमिक आचार संहिता माना जाता है, तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए यम और नियम। संक्रामक रोगों के संचार के विभिन्न तरीके क्या हैं, प्रत्येक संरचना बैक्टीरिया या वायरस संक्रमण, मिट्टी के साथ संपर्क। पॉक्सो अधिनियम का क्या अर्थ है, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में रहने के लिए क्या उपाय कर सकता है, तो इसका उत्तर होना चाहिए संतुलित आहार लेना और खाने की अच्छी आदतें, व्यक्तिगत और खाद्य स्वच्छता और हमारे चारों ओर साफ सफाई बने रहे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक हेल्पलाइन है? तो इसका उत्तर आना चाहिए चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के श्वसन में शामिल होता है? तो वो इसमें आएगा डायफ्राम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खेल खेलने के लाभ के रूप में स्वीकार नहीं? तो इसका उत्तर हमारा आना चाहिए आंखों की दृष्टि में सुधार करता है। मीडिया के चार प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो मीडिया के चार स्रोत हो सकते हैं टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और इंटरनेट। 5F की श्रृंखला क्या है जो संक्रमण का कारण बन सकती है? तो इसका उत्तर हो सकता है मल, द्रव, उंगलियां, मक्खियां और खेत। हमारा संविधान दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील का विकास करना कैसे सुनिश्चित कर सकता है? तो इसका उत्तर हमारा होना चाहिए समानता का अधिकार प्रदान करके। भोजन हमारे शरीर के उच्च पोषित और कार्य को कैसे सुनिश्चित करता है? तो इसका उत्तर आना चाहिए पेशियों का निर्माण करके, शरीर की रक्षा करके, रोगों से लड़ने में मदद करके, ऊर्जा का भंडारण करके और संतुलित आहार लेकर। सूर्य नमस्कार से डैश बेहतर होता है? तो इसका उत्तर आएगा रक्त परिसंरचना। अहिंसा किसके सिद्धांत में से एक है? इसका आएगा यम। शरीर की ऊंचाई बढ़ने के लिए कौन सा आसन काम करता है? वह है वृक्षासन। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में स्थायी परिवर्तन को नियमित शारीरिक व्यायाम के कारण नहीं होता? वह है पेट के आकार में वृद्धि। HIV का क्या अर्थ है? HIV का अर्थ होता है मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम वायरस। VLCPC का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां। शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है? तो उसका उत्तर होना चाहिए हमारा धमकाना, दुर्व्यवहार करना, अपमान करना और डराना। एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए वार्म अप करने के बाद प्रतिदिन कई कम से कम कितने समय तक खेलना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए लगभग 30 मिनट। शारीरिक गतिविधियां मुख्य रूप से हमें किस से बचाती हैं? वो है गठिया। तो देखा कि हमारा स्कोर 20 में से 20 आ गया है।